बिहार के मधेपुरा में बदमाशों को कानून का डर शायद अब नहीं रहा। अपराधी कई वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हालात इस कदर हैं कि मधेपुरा में देश की रक्षा करने वाले सेना के जवान का परिवार भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल पूरा मामला मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के बराही ओपी अंतर्गत जीवजपुर गांव का है, जहां बीते 13 जून को रात को रास्ते के विवाद में बाइक सवार अपराधियों ने सेना के रिटायर्ड मेजर सियाराम यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, अपराधियों ने हत्या करने के बाद जवान के परिवार के अन्य सदस्यों को टारगेट किया। अपने परिवार की रक्षा हेतु दिवंगत कैप्टन के बेटे गांव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। रविवार को रो रोकर मृतक कैप्टन के दोनों बेटों ने गांव खाली कर दिया। परिजनों का कहना है कि धमकी देने के बाद लाख प्रयास किए, लेकिन स्थानीय थाने ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। वहीं मृतक के बेटे पीड़ित सेना के जवान का आरोप है कि पुलिस मामले को गलत दिशा में भटका रही है। 9 नामजद आरोपियों में से पुलिस ने 4 लोगों का नाम अपने अनुसंधान में से हटा लिया है। गोली मारने वाले की भी पहचान नहीं हो पाई। परिवार वालों ने मामले की CID जांच की मांग की, लेकिन सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं हुई। इसका कारण है कि हम भी फौज में 20 साल नौकरी किए हैं और यहाँ पिताजी ने 32 साल नौकरी करने के बाद गांव में आए, समाज सेवा की, लेकिन फिर भी उनको घर में घुस के मार दिया गया। और इस पे प्रशासन और शासन दोनों कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। इस कारण से हमको भी अपने परिवार की सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, जिस कारण मेरे को फौज से रिटायर होके डिस्चार्ज दे के पूरा सर्विस किए बिना वापस यहाँ पर आ रहा हूँ कि मैं अपने परिवार की सुरक्षा कर सकूँ। इसलिए मैं यहाँ से ही गांव को भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि गांव समाज किसी ने मेरा मदद नहीं किया है, कोई ध्यान नहीं देता है हमारे ऊपर। CID जांच के लिए हमने मुख्यमंत्री को लिए भी लिखा था, लेकिन उन्होंने भी कोई अभी तक ध्यान नहीं दिया है, कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हो सकता है कि ना राजनीतिक तरफ से कोई शासन मिल रहा है, हमें आश्वासन मिल रहा है, ना प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिल रहा है। कार्रवाई के नाम पे ऐसे बता दिया जाता है। 2 महीने हो गए, आज तक पूरे सारे आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है। तो बताया जा रहा है कि आपके भाई जो थे वो पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई लड़ने में अपना सहभागिता जताई थी। पिताजी ने 3-3 लड़ाई लड़ा है, नागालैंड में बोरोल के साथ लड़ाई लड़ा है, जम्मू कश्मीर में वहाँ 2-2 बार पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ा है, 1962 की लड़ाई में चाइना के साथ भी वो थे। 3-3 लड़ाई लड़ने के बाद भी यहाँ समाज सेवा करने पे भी कुछ लोगों को यहाँ जलन होने के कारण उन्होंने पिताजी की हत्या कर दी। पुलिस का दावा है जो अनुसंधान सही दिशा में कर रही है, आपको क्या लगता है पुलिस सही काम कर रही है क्या? नहीं, जहाँ तक मिली जानकारी के अनुसार हमको पता चला है कि पुलिस हमारे केस को गलत तरीके पे भटका रही है, जिसके लिए हमने CID जांच के लिए मुख्यमंत्री को लिखा है, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है कि करेंगे कि नहीं करेंगे। इसीलिए पुलिस की तरफ से हमको पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपके भाई जो हैं वो मधेपुरा SP के यहाँ ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, ये सही है क्या? जी हाँ, उनके लड़के को ट्यूशन पढ़ाते हैं, पिछले 2 साल से पढ़ा रहे हैं। तो फिर भी आपको स्थानीय प्रशासन से न्याय नहीं मिल पाया? अब उनके पढ़ाने, उनके बोलने के बाद भी हमारे पर उतनी कार्रवाई नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। 2 महीने में बताइए 4 अपराधियों को नहीं पकड़ा गया। दिवंगत कैप्टन की पत्नी गौरी देवी ने बात करते हुए फफक फफक कर रो कर कहा कि देश के लिए समर्पित मेरा परिवार आज उजड़ने के कगार पर है। मेरे पति ने जो 32 साल देश की सेवा की, पाकिस्तान चीन सहित अन्य देशों से लोहा लेते हुए देश की रक्षा की, वो खुद आज अपने घर में अपराधियों का शिकार हो गए। अब मेरा बेटा, बहू, पोता पोती को अपराधी निशाना बना रहे हैं। मेरा परिवार देश के लिए अपना जीवन दान दे रहा है। पति सेना में थे, एक बेटा सेना में है जो जम्मू कश्मीर में तैनात है, पोती जो देश के लिए कई बार शतरंज खेली और अवार्ड लेकर देश के नाम को ऊंचा किया, लेकिन अब हम लोगों को कोई देखने वाला नहीं। रोते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में ना कोई शासन है और ना ही प्रशासन, अगर होता तो अपराधियों पर शिकंजा कसा जाता और हमारे परिवार की रक्षा होती। कम से कम कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि सुध लेने तो जरूर आता। आर्मी में नौकरी कर रहा था, 32 साल किया था, 3 लड़ाई लड़ा है, राष्ट्रपति दो सर्टिफिकेट मिला हुआ है 3 को। अभी हम लोग का गाँव वाला मिलकर आदमी को रात को गोली मार दिया। तो अभी सामान बन रहा है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? प्रशासन और पुलिस से सपोर्ट नहीं मिलने के कारण हम लोग यहाँ से हम लोग घर छोड़ के आपसे लेते हमारा कोई सहायता नहीं है, पुलिस के हम फोन किए वो भी नहीं आया मेरा देखने के लिए, आज तक कोई अफसर नहीं आया।
हम इसीलिए जा रहे हैं और छोड़ के जहाँ होगा वहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। इस संबंध में जब एसपी संजय कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा, अपराध कहाँ नहीं होते, पूरे भारत में अपराध होता है। अब वो इस कारण गांव छोड़ दें तो ये उनका अपना मन है, बाकी पुलिस सही दिशा में अनुसंधान कर रही है। सही दिशा में उसमें है, उसमें एक या दो गिरफ्तारी हुई है और उसमें कुछ लोग और चिन्हित हुए हैं जिन पर छापामारी की गई है, लेकिन अभी वो अपने जगह से मिले नहीं, फिरार पाए जा रहे हैं, जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। मृतक के भाई फौजी हैं और वो गांव छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, कह रहे हैं कि जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिला तक, क्या है सर? तो गांव छोड़ के कहाँ जाएंगे, पूरे भारतवर्ष या विश्व में कहाँ अपराध नहीं होते हैं, तब तो फिर कहीं जगह उनके लिए नहीं बचेगा। उनकी सोच गलत है, पुलिस सही दिशा में काम कर रही है। इस वक्त मधेपुरा मुख्यालय में हूँ, जहाँ सदर थाना क्षेत्र के भर्राही ओपी के जीवचपुर गाँव में 13 जून को अपराधियों ने घर में घुसकर सेना के रिटायर मेजर को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें पीड़ित पक्ष के लोगों ने 9 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें पुलिस ने 3 को किया है गिरफ्तार, बाकी 4 को सुपरविजन में नाम छाप दिया है। इसके बाद पीड़ित पक्ष के लोगों को अपराधियों के द्वारा लगातार जान मार देने की धमकी दी जा रही थी, जिससे घबरा कर सेना के जवान अब घर से हो रहे हैं पलायन। जब इस बाबत जिले के SP संजय कुमार से मीडिया कर्मी ने पूछा तो उन्होंने स्पष्ट लहजे में बताया कि पूरे भारत में अपराध हो रहा है, अपराध कहाँ नहीं हो रहा है, अब इस बात को लेकर लोग अपना घर छोड़ रहे हैं, तो ये उनकी अपनी मन की बात है। तो बड़ा सवाल उठता है कि कब तक मधेपुरा की पुलिस प्रशासन शेष बचे अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाएंगे और सलाखों के भीतर भेज पाएंगे। मधेपुरा से पंजाब केसरी के लिए राजीव रंजन।